जेट एयरवेज के ऋणदाताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल कंपनी NCLT द्वारा अनुमोदित जालान कालरॉक समाधान योजना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने एयरलाइन को बंद करने का आह्वान किया। दिवालियेपन की प्रक्रिया जून 2019 में शुरू हुई और NCLT ने 22 जून 2021 को जालान कालरॉक कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत जालान फ्रिज का कंसोर्टियम जेट एयरवेज का अधिग्रहण करेगा और एयरलाइन में $1.3 बिलियन करेगा। हालांकि लेनदारों ने इस योजना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह योजना सभी लेनदारों के लिए उचित नहीं है और यह एयरलाइन को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG एन वेंकटरमन ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऋणदाताओं को एक भी पैसा नहीं दिया गया है या कर्ज में डूबी एयरलाइन में पैसा नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत ऋणदाताओं ने हवाई अड्डे के बकाया सहित लगभग 400 करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन लगाया है। ASG जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्रोफेशन RP की ओर से बहस कर रहे थे। RP ने जालान फ्रिज कंसोर्टियम की समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ASG ने कहा कि समाधान योजना संभव नहीं है और यह एयरलाइन को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना एयरलाइन के सभी ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराएगी और यह नए निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगी। ASG ने आगे कहा कि DGCA जेट एयरवेज के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC को नवीनीकृत करने के लिए तैयार नहीं था, जो मई में समाप्त हो गया था। AOC DGCA द्वारा जारी एक लाइसेंस है जो किसी एयरलाइन को उड़ाने संचालित करने की अनुमति देता है। जालान कालरॉक कंसोर्टियम ने अपने धन निवेश लक्ष्य को पूरा नहीं किया था और इसे न्यायाधिकरणों से बार बार विस्तार मिल रहा था। लेनदारों की समिति COC ने कहा था कि अगर कंपनी को अपना कोई बकाया वसूलना है तो उसे परिसमापन में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 हफ्ते में तय की है। अदालत ने जालान कालरॉक कंसोर्टियम से COC द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा है। वित्तीय कठिनाइयों में चलने के बाद जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में उड़ान बंद कर दी। इसके बाद एयरलाइन को दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत डाल दिया गया और जालान कालरॉक कंसोर्टियम जून 2021 में विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा। हालांकि ऋणदाताओं और कंसोर्टियम के बीच जारी मतभेदों के बीच स्वामित्व हस्तांतरण लटका हुआ है।